नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकतास क्रिएशन से। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस तरह का ब्लैक एंड वाइट टाइपोग्राफिक पोर्ट्रेट कैसे बनाना है ये सिखाया था। अगर आप ये वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसी टाइपोग्राफिक पोर्ट्रेट को कलरफुल कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लैक एंड वाइट ये पोर्ट्रेट इमेज यहाँ पर रखा, जेपीजी इमेज हमने यहाँ पर लिया, और अब इसके ऊपर मैंने ये एक कलरफुल इमेज यहाँ पर रखी है। आप किसी भी तरह की कलरफुल इमेज ले सकते हैं। इसी इमेज को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं अभी ऑफ कर देती हूँ। और ये जो हमारी टाइपोग्राफिक पोर्ट्रेट की लेयर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर पहले हम एक ब्लैंक लेयर रख देते हैं और उसका जो एडिट में जाके उसको मैं फिल कर देती हूँ वाइट कलर से। ओके कर दिया, इसको भी मैंने फ़िलहाल ऑफ रखा। अब हमारी जो टाइपोग्राफिक पोर्ट्रेट की लेयर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यूज़ किया कंट्रोल आई जो भी कलर्स है उनको इन्वर्ट करने के लिए। फिर सारी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए किया कंट्रोल ए और कंट्रोल सी इसे कॉपी करने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देते हैं और ये जो हमारी कलरफुल लेयर है, इस वाइट लेयर को मैंने ऑन किया, कंट्रोल डी कर दे डी सेलेक्ट करने के लिए पहले। ऐड लेयर मास्क, ये एक मास्क मैंने इस कलरफुल इमेज पे अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और ऑल्ट दबाते हुए इस मास्क पे मैंने क्लिक किया ऐसे। अब लेयर मास्क कैसे यूज़ होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे इमेज मिक्सिंग विथ लेयर मास्क ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड पे कंट्रोल वी करती हूँ ऐसे, जो भी हमारी इमेज थी वो यहाँ पर आ गई। कंट्रोल डी करे डी सेलेक्ट करने के लिए, और ये जो कलरफुल इमेज है इस पर मैं क्लिक करती हूँ एक बार, तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट कलरफुल में कन्वर्ट हो गया। लेयर मास्क के ज़रिए ये काम इजीली हमने एक मिनट में कर लिया। ये जो लेयर मास्क हमने लगाया है, इसको लगाने का फ़ायदा ये हुआ, जैसे कि मैं अगर इस वाइट लेयर को ऑफ कर देती हूँ नीचे की, तो ये जो लेयर मास्क है यहाँ पर जो भी ब्लैक कलर में था वो सब छुप गया, और जो वाइट कलर में इमेज थी वहाँ से हमारा ये कलरफुल इमेज दिखाई दे रहा है। तो बस इसको कवर करने के लिए हमने नीचे बैकग्राउंड के लिए एक वाइट लेयर यहाँ पर रखी है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो जस्ट ये हमारा जो नॉर्मल लेयर है कलरफुल इमेज ये दिख रहा है, और इसको बैकग्राउंड देने के लिए हमने एक वाइट लेयर यहाँ पर रखी है। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एकतास क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस देख के आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स घर पे करते हैं उन्हें हमारी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल पेज पे आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अपना वर्क हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।